हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी चीज़ का डिस्कशन उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, सो वी विल टेक अ लुक एट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज निशांत एंड यू आर वाचिंग क्रिएट इको फ्रेंडली। ईवी की हिस्ट्री जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। 1801 में रिचर्ड टेविथिक ने स्टीम पावर्ड कैरिज बनाया और बिना घोड़ा गाड़ी के सवारी करना स्टार्ट किया, और लगभग 30 साल की मेहनत के बाद पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आया। उसके बाद शुरू हुआ ईवी का दौर, और लगभग 50 साल बाद पहला आईसी इंजन व्हीकल बना। तो देखिए आप, ईवीज आर 50 ईयर ओल्डर देन पेट्रोल। ईवी 50 साल पहले आए थे पेट्रोल व्हीकल से। तो हम इनकी हिस्ट्री को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक स्टेज 1 अर्ली इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट, जब इनका बनना स्टार्ट हुआ था। स्टेज 2 कमर्शियलाइजेशन एंड कंपटीशन विद आईसी इंजन, इस पीरियड में उनका काफ़ी यूज़ होने लगा एंड आईसी इंजन की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। एंड आपको बता दूं, 1900 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आईसी इंजन व्हीकल्स से ज़्यादा अच्छे थे। फिर थर्ड स्टेज आई, इनकी डिमांड थोड़ी रिड्यूस होने लगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लाइक ये लोकल यूज़ तक ही सीमित रह गई। फिर फोर्थ स्टेज में इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। फिफ्थ स्टेज में ये मार्केट से बाहर सी हो गई, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ स्टेज में ये फिर से राइज हुई एंड एक नई कंपनी आई, टेस्ला। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आईसी इंजन से पहले इसलिए बने क्योंकि इन्हें बनाना काफ़ी इजी था, काफ़ी आसान था। इनिशियली फर्स्ट ईवी रॉबर्ट एंडरसन ने डेवलप किया, बट दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल एट दैट टाइम। सो वी कैन से दैट पहला ईवी बनाया थॉमस डेवनपोर्ट ने, जो एक ब्लैकस्मिथ यानी कि एक लोहार थे। इन्होंने अपनी वाइफ एंड ब्रदर की हेल्प से एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाई एंड उससे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई, जो अमेरिका की फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर कार थी, बट इट वाज ऑपरेटेड विद नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। फिर 1859 में फ्रेंच फिजिसिस्ट गैटसन प्लांटे ने रिचार्जेबल लेड एसिड स्टोरेज की इन्वेंशन करी। एंड कुछ टाइम बाद फिर उसी देश की गली मोहल्ले में से कैमिली फियोरे ने एक ट्राईसाइकिल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई, जिसकी टॉप स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर तक थी। एंड इसके बाद तो खूब सारी ईवीज मार्केट में आने लगी, लाइक थॉमस पार्कर, विलियम थॉमसन, थॉमस एल्वा एडिसन, इन सब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी स्टार्ट करी। अब स्टार्ट होने वाली है स्टेज 2, इसमें होता है कंपटीशन ऑफ ईवी एंड आईसी इंजन। एंड अब ईवीज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा था। एंड फिर फ्रेडिनेंड पोस्ट ने अपनी फर्स्ट कार बनाई, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार थी। यश पोस्ट मोटर की फर्स्ट कार इलेक्ट्रिक थी, इसका नाम था एगर जोहनर इलेक्ट्रिक व्हीकल C2 फियटोन मॉडल, AKA पोस्ट P1। ये ही थी दुनिया की फर्स्ट पोस्ट कार, इलेक्ट्रिक कार से स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड इसमें जो आइडिया यूज़ हुआ था वो आज भी एक्सेप्शनल है। इस कार का वेट लगभग 130 kg एंड 3 हॉर्स पावर की आउटपुट थी, एंड उसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर पर चार्ज थी। फिर एक धमाका हुआ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग आई, जिससे कार की रेंज और बढ़ गई। अब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है? देखो, जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो बैटरी टू मोटर करंट जाता है एंड व्हीकल एक्सेलरेट करता है, एंड जो बैटरी की एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। बट जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मोटर एक्ट एज डायनमो एंड जनरेट द इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज द बैटरी, जिससे हम थोड़ी एक्सटेंडेड रेंज ले सकते हैं, रेंज बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, 1900 में BSG EV ने 290 किलोमीटर पर चार्ज का रिकॉर्ड बनाया था। एंड 1899 में एक गाड़ी जिसका नाम जमाइस कंटेंटे, मतलब नेवर सेटिस्फाइड, इसका एक रेप्लिका आप वीडियो में देख सकते हो, इसने 110 किलोमीटर पर आर का रिकॉर्ड बनाया था। एंड अराउंड 1900 इलेक्ट्रिक कार्स का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लगभग 1/3 इलेक्ट्रिक कार्स सड़कों पे दौड़ रही थी। हैवी ड्यूटी ट्रक्स भी बन रहे थे, जो 6 टन से भी ज़्यादा तक का वेट ले जा सकते थे। एंड अब आने वाली है थर्ड स्टेज, हेनरी फोर्ड ने पेट्रोल इंजन को इंट्रोड्यूस करा दिया, लोगों ने इन्हें लेना भी शुरू किया एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन कम होने लगी। कोज आईसी इंजन्स ज़्यादा पावरफुल बनने लगे, मोर फ्लेक्सिबल थे, इजी टू यूज़ एंड इजी टू हैंडल भी थे। कौन इतनी देर तक चार्ज करें, पेट्रोल भरवाया और निकल लिए, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल गायब से होने लगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बस कुछ जगह ही दिखाई देते थे, लाइक टूरिस्ट प्लेसेस पे, गोल्फ के मैदान में। एंड अब फोर्थ स्टेज आने वाली है, अराउंड 1960 एयर पोल्यूशन एंड फ्यूल शॉर्टेज को देखते हुए लोगों ने फिर इस पे काम करना स्टार्ट किया, बिकॉज फ्यूल के प्राइस उस टाइम के हिसाब से आसमान छू रहे थे।
एंड फिर जनरल मोटर ने अपनी इलेक्ट्रिक वैन बनाई जिसकी रेटेड पावर 32 किलोवाट थी एंड पीक पावर 160 किलोवाट तक थी। बट उनका कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, इस वजह से सब कुछ बंद सा पड़ गया। इन फिफ्थ स्टेज नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो गायब से ही हो गए थे क्योंकि वही पुरानी टेक्निक्स, कोई नया अल्टरनेटिव नहीं मिला, बैटरी चार्जिंग में कितना टाइम लगता था, वही थोड़ा हैंडी। एंड इस टाइम की फेमस इलेक्ट्रिक कार थी EV1 अगेन बाय जनरल मोटर। फर्स्ट जनरेशन EV1 के पास लेड एसिड बैटरी पैक था जो 90-120 किलोमीटर पर आवर तक चलता था एंड ये लगभग 600 कार बनी। सेकेंड जनरेशन EV1 में निकिल मेटल हाइब्रिड बैटरी यूज करी गई जिससे उनकी रेंज 240 किलोमीटर तक हो गई। ये भी अराउंड 450 कार्स बनी। EV1 वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, अच्छे अच्छे फीचर्स थे, बट GM मोटर लूज फेथ। इन 2003 ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। एंड इन सभी गाड़ियों को ओनर से वापस लेके क्रश कर दिया जंकयार्ड में। बस अब 2-3 EV1 ही बची होंगी जो भी म्यूजियम में देखने को मिल जाए शायद। अब फिफ्थ स्टेज का लास्ट पार्ट चल रहा है 2008 के आसपास। अब आई टेस्ला मोटर्स की रोडस्टर स्पोर्ट्स कार जो लगभग 4 सेकंड्स में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती थी एंड इसकी टॉप स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। और इसकी रेंज की बात करें तो 320 किलोमीटर पर चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू सिक्स्थ स्टेज। टेस्ला ने धूम मचा रखी है जी, क्या पता नेक्स्ट फास्ट एंड फ्यूरियस में टेस्ला की कोई गाड़ी आए। एंड इस स्टेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिवर्थ स्टार्ट हो चुका था। दिस इज द बिगनिंग ऑफ 2010 एंड इंडिया में भी रीवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी आई जिसमें महिंद्रा ने बहुत पैसा लगाया। बाद में महिंद्रा ने इसे खरीद भी लिया तो उसने लगभग 4000 गाड़ियां बनाई और बेची 26 अलग अलग देशों में। और फिर निसान लीफ का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया 2012 में। टेस्ला मोटर्स का मॉडल एस आया, उसका भी मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और इस गाड़ी की डिमांड वाज सो हाई कि थाउजेंड्स कार पर वीक बनानी पड़ी। सिंस 2013 टेस्ला मोटर्स वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट गाड़ियों में से एक मानी जाने लगी एंड आजकल हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है और बेच रहा है। हर देश की हर कंपनी बना रही है, इवन साइकिल्स भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं एंड बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रही हैं। सो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट हैज स्ट्रगल अलॉट एंड इट्स टाइम फॉर EVs। एंड अब तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि हमें अपने IC इंजन्स कार चेंज करनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना पड़ेगा। तो भाई देखो कितनी बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया खाली पड़ी है, बेचने वाले नहीं है अभी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे कनेक्टेड गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।